सरकार की तरफ से सर्वोत्तम सेवा के लिए मजदूरों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन आज चिंतन करना होगा कि बढ़ती बाल मजदूरी की समस्या को कैसे रोका जाए ताकि हमारा भारत देश फले फूले और समृद्ध हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के चारकोप विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने हम पहुंचे हैं, जहां से बतौर विधायक भारतीय जनता पार्टी के योगेश सागर हैं। लेकिन चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग वीएस संपत साहब ने साफ तौर पर चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गतिविधियों में लिप्त हो चुके हैं। लेकिन लेमन न्यूज़ का कैमरा लगातार मुंबई के तकरीबन 36 विधानसभा क्षेत्र का लगातार जायजा ले रहा है कि आखिर वहां के सिटिंग एमएलए पिछले 5 सालों में अपनी जनता के लिए उन्होंने क्या किया। हमारे साथ यहाँ पर कमलेश यादव हैं और उसके साथ ही तमाम वह लोग हैं। हम सबसे पहले कमलेश जी के पास जाएंगे। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, साल 2009 का चुनाव बीता, अब एक बार फिर साल 2014 में विधानसभा चुनाव होने को है, स्थिति क्या लग रही है? देखिए, 2009 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए थे। लोगों को लग रहा था कि पहले भी वो यहाँ से नगर सेवक रह चुके थे, इसलिए आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे, लेकिन झूठे कोरे आश्वासनों के सिवाय इस विधानसभा को कुछ मिला नहीं। आप देखेंगे जिस तरह की यहाँ की झुग्गी झोपड़ी, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जिस तरह से पहले त्रस्त थी उससे ज़्यादा आज त्रस्त हैं। शौचालय, जो उनको शासन की तरफ से निधि मिलती है, उनका सही तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। गलियाँ जो अच्छी तरह से बननी चाहिए थी, टूटी फूटी और ऐसी अवस्था में है कि आप चल फिर नहीं सकते। एक भी विद्यालय ऐसे नहीं है जहाँ बच्चे जा करके पढ़ाई कर सकें। एक भी खेल के मैदान ऐसे नहीं है जहाँ हमारे बच्चे जा करके खेत कूद कर सकें। यहाँ बहुत सारी सरकारी जगहें आरक्षित हैं जहाँ खेल के मैदान बन सकते थे, विद्यालय बन सकते थे, कॉलेज बन सकते थे, बहुत सारी नागरिकों को सुविधाएं दी जा सकती थी। लेकिन यहाँ सिर्फ बंदर बांट का काम चल रहा है। कोई जो प्लॉट है, कोई कांग्रेस के एमएलए ले रहे हैं, कोई बीजेपी के यहाँ के मंत्री ले रहे हैं। जनता को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो कोई काम नहीं हो रहा है। पूरी तरह से चारकोप विधानसभा पूरी तरह से नागरिक सुविधाओं के विहीन है। हमारे जो विधायक जी हैं पेपर में लिखने में माहिर हैं, इसलिए तमाम तरह के कागज पत्रों में आप देखेंगे तो उन्हें एक नंबर के आमदार की तरह से घोषित किया जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत देखने जाएंगे, ज़मीनी सच्चाई देखने जाएंगे, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के समाधान की बात करने जाएंगे, वहाँ विधायक जी पूरी तरह से शून्य है। कोई भी उन्होंने काम ऐसा नहीं किया जो आने वाले दिनों में यहाँ की जनता, जिसलिए उन्हें मतदान फिर से करना चाहिए। कुल मिला के इनके आरोपों पर यदि गौर करें तो चारकोप विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ की जो जनता है वह मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित है। और खास करके इन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के योगेश सागर साहब ने कागजों पर काम किया है, लेकिन यथार्थ के पटल पर यदि देखा जाए तो कोई काम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, कचरे हैं, टूटी सड़कें हैं, कई समस्याएं यहाँ पर हैं और इन समस्याओं से सराबोर यह चारकोप विधानसभा क्षेत्र। साल 2009 में जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो तमाम नेताओं ने जीत हासिल करने के लिए चुनाव क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी जनता से जो वादे किए थे, उस वादों की कसौटी पर कोई भी खरा उतर नहीं पाया है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, ऐसा आरोप इनका है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगदीश मरोठिया है। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में योगेश सागर साहब ने यदि यहाँ की लोगों के लिए कोई काम किया है, ऐसा एक दो काम आप बता सकते हैं? कोई भी काम नहीं किया हमारी नज़रों में, तो बहुत ग्रस्त है, गंदा पानी आ रहा है, शौचालय टूटी हुई हैं और झुग्गी झोपड़ियों की पब्लिक बहुत परेशान है। कल परसों एक डेंगू से एक व्यक्तिगत मर गया, तो ये कितनी गंभीर समस्या है, जो छिड़काव भी नहीं हो रहा है, ना मलेरिया का ना डेंगू का, बहुत भारी समस्याएं हैं। मिला के इस इलाके का जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है वह कांदीवली पुलिस स्टेशन है और जिस प्रकार से यहाँ पर बढ़ते अपराध हैं यदि उनके ग्राफ की बात किया जाए तो वह भी लगातार बढ़े हैं। हम फिर से एक बार कमलेश जी के पास जाएंगे।
आपसे ये जानना चाहेंगे कि अखबारों में, टीवी न्यूज चैनलों पर हम लगातार यह देखे देख सकते हैं कि लालजी पाड़ा हो या फिर कांदीवली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला यह विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दलालों के चंगुल में यहाँ फंसा हुआ है। अभी आपको मैं एक 15 दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। एक बच्चा विद्यालय के गेट से गायब हो जाता है, विद्यालय के दो और बच्चे ले जा करके उसे यूपी में छोड़ करके आते हैं। हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं कि इस बच्चे का किडनैपिंग हुआ है। पुलिस प्रशासन एक कंप्लेन का तकरार लिख लेती है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है। मजबूर होकर के हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा करके उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ वो बच्चा गया था, उनके परिवार के पास हम दबाव बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने पैसे वसूली के लिए उस बच्चे को यूपी के जंगल में छोड़ा हुआ है। यहाँ उस बच्चे के पेरेंट को हम यूपी भेजते हैं और यूपी से मंगा के लेते हैं, लेकिन कांदीवली की पुलिस स्टेशन को वह बच्चा आज तक नहीं मिला है। उनको समझ में नहीं आ रहा है बच्चा कहाँ गया और आज तक नहीं ढूंढ पाए। एक मेरा यहीं से मोबाइल गायब हुआ था, मैंने सारे उनको नंबर्स दिए, मैंने खुद ऑफिशियली कंप्लेन कराई, 3 दिन तक नहीं ढूंढ पाए। आज तक वो मोबाइल मैं वापर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन को पता नहीं है कि वो मोबाइल कहाँ से मैंने ढूंढ करके ला दिया। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दलालों के, चोरों के, उनके पूरे तरह से चंगुल में फंसा हुआ है। इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं, यहाँ लोग रहते हैं और पीछे लोग बिल्डिंग में रहने वालों के सामने पेशाब करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। यहाँ आप रहवासियों से, एक एक रहवासियों से सवाल करेंगे, सारे लोग त्रस्त हैं। यहाँ मुंबई पुलिस के एक एसीपी साहब रहते हैं, वो त्रस्त हैं, लेकिन उनकी भी बात यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, विधायक जी का यहाँ पुलिस प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है। यहाँ की जनता उनकी निरंकुशता से, पुलिस की निरंकुशता से परेशान है। दूसरी बात हम आपको बताएं, महाराष्ट्र सरकार का एक अस्पताल है, आप अस्पताल में जाएंगे तो जानवर वहां जाकर के इलाज नहीं करा सकते। इस दुर्दैव परिस्थिति में है, पिछले 3 साल हुआ उसका ओपनिंग करके। तो जो शासन, जिस शासन का जो प्रतिनिधि, अगर सरकारी सुविधाएं जो अस्तित्व में हो उस अस्तित्व का लाभ लोगों को नहीं दिला पा रहा हो, वह जनप्रतिनिधि जो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे लोगों के लिए, जिसके लिए वह खुद लोगों से प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि मैं आपको सुविधाएं दूंगा, वो सुविधाएँ लोगों को नहीं पहुँचा पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को खुद से आकर के जनता को कहना चाहिए कि पिछले 5 सालों के लिए आपने मुझे चुना था, मैं आपका काम करने में सफल नहीं रहा, इसलिए आने वाले दिनों में ना मैं खड़ा होऊंगा, ना आप मेरे पार्टी के लिए, ना मेरे लिए मतदान करिए। सिर्फ इसलिए किसी एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, सिर्फ इसलिए कि अच्छी भाषा बोल लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कागजों में उन्हें कागजी शेर कहा जाता है, इसलिए आने वाले दिनों में वो चुन करके आए, ऐसा मेरी एकदम मत नहीं है कि उनको फिर से जनता ने चुनना चाहिए और जनता फिर से चुनेगी। पूरे मुझे विश्वास है कि उन्हें कभी वापस नहीं चुनेगी। जनता को पता चल गया है कि हमारे विधायक जी सिर्फ कागजी शेर हैं, सिर्फ कागजों पे वो चमकते रहते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी लच्छेदार भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्याएँ हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उसको नहीं पूरी कर सकते। कुल मिला के चुनाव के दौरान जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है उसे जनता वोट देती है, यह सोचकर कि आने वाले दिनों में यदि कोई समस्याएं लोगों के सामने दिखाई देती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो उस समस्याओं से संबंधित आवाज विधायक साहब बुलंद करेंगे विधानसभा में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हमने देखा है कि हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है और चुनाव में खड़े उन तमाम उम्मीदवार अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता को एक लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं, तमाम जो वादे हैं वह करते हैं, लेकिन वादों की कसौटी की यदि बात की जाए तो उस पर कोई भी नेता खरा नहीं उतर पाता। लेमन न्यूज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया है, वहां पर रहने वाली जो जनता है वह अपने विधायक के प्रति संतुष्ट नहीं है। एक कार्यशैली जो है उस कार्यशैली से असंतुष्ट है जनता। जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि नेतागण जिस प्रकार से वादे करते हैं, तो वजह क्या है कि जब हम उन्हें जीत कर भेजते हैं विधानसभा तो वहां से वह लौट कर नहीं आते। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम इस्तखार खान है। आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के 13 विधायक जीत कर आए थे और उन्होंने युति के जो वोटिंग का जो अखाड़ा है उसमें सेंध लगा पाने में कामयाब हुए थे, और इस बार जो भी सिटिंग एमएलए हैं
उन्होंने ज्यादातर इलाकों में काम नहीं किया है, ऐसा जनता का आरोप है। ये हम नहीं, वहाँ की तस्वीरें बयां करती हैं। योगेश सागर के बारे में आप क्या कहेंगे? योगेश सागर यहाँ के आमदार चुने गए, ये यहाँ की जनता का अभाग्य है कि वो चुन करके आए। बाकी योगेश सागर ने कोई एक अच्छा ऐसा काम नहीं किया जिसके वजह से उनकी एक तारीफ की जाए। अब पेपर में लोगों में आके कह तो जाते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कोई ऐसा काम ऐसा नहीं जो आकर के वो बता दे कि देखो मैंने ये काम किया। ऐसा कोई काम नहीं है। पेपर में कह लेते हैं हमने अच्छा काम किया, ये काम किया, वो काम किया, वो ठीक है, वो जीत के आ गए। जनता ने एक बार तो गलती किया है, शायद ऐसा उम्मीद है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा कि ये आमदार दोबारा इस इलेक्शन में जीत करके आए। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि जो भी पार्टियां हैं वह अपने सिटिंग एमएलए के कामों को देखने के बाद गत लोकसभा चुनाव में जो भी हार का सामना देखना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा कांग्रेस एनसीपी को, तो कांग्रेस एनसीपी के जो सर्वे सर्वा हैं अपने उन तमाम विधायकों का टिकट काट सकते हैं। अभी तक उम्मीदवारों के नामों की जो सूची है वह जारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो जनता है वह जनार्दन है। और जनता जो 5 साल होता है वह नेताओं का होता है, 1 साल जो होता, 1 दिन जो होता है वह जनता का होता है, और उस 1 दिन का इंतजार कर रही है जनता। इस कार्यक्रम को यदि योगेश सागर साहब आप देख रहे हैं तो हमारा आपसे वादा है कि हम आपका भी पक्ष रखेंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, एक जो आमदार होता है उसे यह शोभा नहीं देता। होना तो ये चाहिए कि यदि एक बार यदि कोई नेता वहां से जीत कर आता है तो अगले 5 साल तक उसे जनता जो है जिस प्रकार से देखती है, झेलती है, तो अगले 5 साल के लिए भी वह उसे जिताकर ला सकती है यदि विधायक साहब काम करे तो। हमारे साथ यहाँ पर और भी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, मैं मौलाना जहूर रजा खान बोल रहा हूँ। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। गत लोकसभा चुनाव में मोदी की एक लहर देखी गई थी, और उस मोदी नामक नाव में जो जो उम्मीदवार सवार हुए सबकी वैतरणी पार हो गई, क्या लगता है लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर दिखाई देगा? देखिए, वो तो लंबी बात हो गई, क्योंकि यहाँ ये छोटी मंडली है विधानसभा का, वो है, इसलिए इस पर ही बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। इससे पहले जब ये 5 साल पहले इलेक्शन हुआ तो यही योगेश सागर साहब बार बार आकर के सारे मंचों पे हाथ जोड़ के कहते रहे कि एक बार हमको मौका दो, एक बार इस आदमी को देख लो खरा उतरेगा। लेकिन आज यही जनता उनके सामने जब जाती है, 10-5 लोग जाते हैं तो वहीं से बोलते हैं हमारे आदमी तो चले जाएंगे लेकिन मैं एरिया में नहीं जा पाऊंगा, भाई वहां नहीं जा पाऊंगा, झोपड़पट्टी में नहीं जा पाऊंगा, हमारे आदमी जा करके देख लेंगे। ना यहां पानी की कोई सहूलत है और ना संडास वगैरह का कोई इंतजाम है। इससे पहले जब कमलेश यादव जी नगर सेवक थी उनके ज़माने में जितना भी काम हुआ, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो स्कूल का हो, स्कूल का तो बहुमंजिला इमारत आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें रंगो रोगन लगाने वाला आज कोई नहीं रह गया है। कमलेश यादव साहब की बड़ाई कर रहे हैं आप? बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, उनके जो काम वो किए हैं उस पर मैं कह रहा हूँ। मैं क्या बड़ाई कर रहा हूँ, सभी लोगों से आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि गलियों को आपने सजा दिया, सेवर लाइन बिछा दिया, पानी का पाइप गली गली घर घर तक पहुँचा दिया, लेकिन आज उसमें टूट फूट जाता है, उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। और उल्टे उसमें से जो इक्तदार में है उनके दलाल लोग उसमें ज़बरदस्ती कनेक्शन करवा लेते हैं, जिनका वैध कनेक्शन है वो लोग पानी नहीं पाते हैं और जिनका अवैध है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पाते हैं। आज ये हाल हमारे मोहल्ले का हो गया है। सागर साहब, ये आरोप हमारे नहीं है, ये वक्तव्य हमारे नहीं है, ये आरोप है उन लोगों के जिनके अंदर एक सुगबुगाहट मची रहती है कि चुनाव के दौरान खड़ा वह प्रत्याशी उसमें आखिर दम कितना है, वह कितना सक्षम है, और खास करके जो मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए क्या वह सही समय पर मिल पाती है, ये एक अहम सवाल है। मुंबई के विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां भी हम जा रहे हैं, चाहे वहां के सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हों या एनसीपी से बिलोंग करते हों, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन हमने देखा है कि वोटों का पैमाना, जितने बड़े पैमाने पर वोटों का जो पैमाना होता है, वोटों का जो ग्राफ होता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बस्तियों से निकल कर आता है, बस्तियों से इकट्ठा होता है, धनाढ्य इलाकों से, धनाढ्य वर्ग से उतर कर कोई वोट देता है, इसमें काफी कुछ कमी होती है। फिलहाल जिस विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, यह चारकोप विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भारतीय जनता पार्टी के योगेश सागर यहां से विधायक हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक विधायक जो होता है 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, जनता को उससे उम्मीद होती है कि वह जनता के हितों से संबंधित कोई काम करे, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पाते। आपसे जानना चाहेंगे कि विधायक जो जीत कर आता है और 5 साल के बाद जब दोबारा उस इलाके में जाता है
जहाँ की जनता ने पिछली बार उसे वोट दिया था, और यदि उसने काम नहीं किया तो उसे क्या कुछ उसके सामने दिखाई देता है। योगेश सागर जी यहाँ के विधायक हैं, ये तो सही बात है, लेकिन उनको अभी आने वाला जो समय है, मेरे ख्याल से जनता उनको नकार देना चाहिए। उनकी जो काम करने की शैली है एकदम ही विपरीत है जनता के लिए। स्लम एरिया हमारा है, यहाँ पर जब से वो आए हैं, एक प्रगति हुई उनके आने पर। संजय नगर एक इलाका लालजी पाड़ा में है, वहाँ जब से वो जीत के आए हुए हैं, अपने ऑफिस खोल कर रखे हैं। वहाँ जनता आज भी पानी एक बूथ की तरह से रही है, उनके ऑफिस के बाजू में ही आज तो उनको पानी नहीं मिल रहा है। यदि सड़कों की बात करें या फिर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना SRA स्कीम की बात करें, एक गरीब परिवार जब झुग्गियों में रहता है तो कतई नहीं चाहता है कि वह गंदगी के माहौल में रहे। अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वह भी एक उम्मीद करता है कि सरकारी योजना का लाभ उसे मिल सके। योगेश सागर साहब के इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत कितने विकास कार्य हुए? कुछ नहीं हुआ। एगो सागर जी खाली कागजी पेपर वर्क करते हैं। अगर आप देखा जाए उनका जो सलम एरिया में जो उनको करना काम करना चाहिए, जो उन विधायक हैं, जिस मतलब विधायक उनको वोट दिया गया है, उन्होंने वो हिसाब कुछ काम नहीं किया है। ये मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उन्होंने एक पैसा काम नहीं किया, इलाके में काम नहीं किया। हाँ, ये है उनके आने से इलाके के अंदर इतना हुआ है कि चोरी पर डे बढ़ गई है, और यहाँ पर दादागिरी बढ़ गई है, मर्डर बढ़ गया है। यहाँ तो बच्चों को जो स्कूल जाते हैं बच्चों, उनको सुरक्षित नहीं है। मैं आपके TV माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये चीज़ को ज़रूर उठाइए, और ख़ास करके जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन है इसके अंदर आप जाइए। ऐसे मामलों को हम उठाएंगे और प्राथमिकता से उठाएंगे, चूंकि मामला जनहित से जुड़ा है। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, हमारा मकसद किसी को गिराना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने उस जनता तक पहुंचाना है। और अब जनता का समय आ चुका है। 15 अक्टूबर को चुनाव की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में दो राज्यों में चुनाव होने हैं, और खास करके हरियाणा में जहां 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के कुल 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। और खास करके इस बार के चुनाव में तकरीबन 1,78,78,514 ऐसे नवयुवा मतदाता हैं जो डिसाइड करेंगे इस महाराष्ट्र सरकार के आने वाले भविष्य की वह तस्वीर। और खास करके इस बार के दिवाली से पहले ही यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी की सरकार बनती है, कौन सी पार्टी सबसे पहले दिवाली मनाने में कामयाब हो पाती है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम? हफीजुल्ला नाम है। हफीज साहब, ये बताइए, आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देता हूँ। हर साल देते? हर पाँच साल में देते होंगे? हर पाँच साल में देता हूँ। क्या सोच के वोट देते हैं? वोट देता हूँ कि हमारे एरिए का थोड़ा सुविधान हो जाए, हमारे एरिए में गंदगी नहीं रहे, हमारे एरिया में गंदगी ना रहे, और हमारे एरिया में कोई चीज़ का बवाल नहीं होना चाहिए, चोरी चमारी नहीं होना चाहिए। ये जो सागर आ करके पाँच साल के अंदर में कुछ अच्छा काम नहीं किए। योगेश सागर साहब ने पाँच साल में ऐसे कितने बेरोजगार हैं जिनको उन्होंने रोजगार मुहैया करवाया? बहुत ऐसे लोग हैं साहब। उनको रोजगार दिया, नौकरी दी? नहीं दिए, कभी नहीं दिए। किसी को नहीं पूछते हैं, ना किसी को देखने आते हैं। एरिया जल जाए, भर जाए, कभी नहीं आए। पाँच साल के अंदर कभी नहीं आए, मैं नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं देखा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में समझो कि 4 वोटर हैं। आप ये बताइए, हाँ, कि जो पानी की समस्या है, हाँ, सड़क की समस्या है, और खास करके यहाँ पर लालजी पाड़ा में उत्तर भारतीय समाज भी बड़ी संख्या में है, हाँ, बड़ी संख्या। क्या सोचता है वो योगेश सागर के बारे में? योगेश सागर के बारे में कोई, ये जितना पब्लिक है साहब, कोई नहीं कुछ सोचता है, खाली बदलाव चाहिए बस। योगेश सागर का भी बदलाव होना जरूरी है। बिल्कुल, समय के साथ हर चीज को बदलना जरूरी होता है। हम कमलेश जी के पास जाएंगे। अच्छे दिन आने के संकेत दिए गए थे। 100 दिन के कार्यकाल मोदी सरकार ने केंद्र में पूरे किए। महाराष्ट्र में एक सुगबुगाहट है और एक कड़ी चुनौती देखी जा सकती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी अघाड़ी के सामने, चूंकि गत लोकसभा चुनाव में महज एक सीट जीत कर आई थी कांग्रेस की, वह भी नांदेड़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। अशोक चौहान साहब जीते थे, उसके अलावा जितने भी प्रत्याशी थे सबके चुपड़े साफ हो गए थे। क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव में बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी साहब झूठ की किताब है, हमने पहले भी कहा था, आज भी आपको कहता हूँ। लोगों को एडवर्टीज के माध्यम से, लोगों को प्रचार के माध्यम से, लोगों को गलत बातें बता करके, लोगों को गुमराह करके उन्होंने मतदाताओं का वोट लिया। 100 दिनों में लोगों ने देख लिया
कि ये जो कांग्रेस की नीतियां थी, जो कांग्रेस पार्टी जिन नीतियों पे चल रही थी, नरेंद्र मोदी उन्हीं नीतियों के ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरह से उसमें उन्होंने किसी तरह का बदलाव नहीं लाया है। आप बताइए, बनारस का विकास करने जा रहे हैं, आप जाते हैं जापान से भीख मांगने कि आप अपने शहर का विकास किया करके हमारे बनारस का भी विकास कीजिए? अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में काम करने की क्षमता है, आप चाहते हो कि एक शहर का विकास करें, आप में आत्मीयता है, तो आप आइए, शहर के लोगों के साथ जुड़िए, शहर के जो देश के हमारे अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ जुड़िए, चर्चा कीजिए और अपनी योजनाएं बना करके उसको अमल में लाने का प्रयास करिए। आप जा करके भीख ला करके, आप दूसरों का पैसा ला करके एक बार विकास कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो उनके ऊपर टैक्स बढ़ेंगे, जो उनके ऊपर उसके पैसे बढ़ेंगे, उसके लिए कौन जवाबदार होगा? इसलिए मोदी नरेंद्र मोदी साहब से विनती है, आप देश का विकास कीजिए, नए नए योजनाएं लाइए, लेकिन देसी योजनाएं लाइए, जापानी योजनाएं नहीं चाहिए, चाइनीज योजनाएं नहीं चाहिए, अमेरिकी योजनाएं नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तानी योजनाएं चाहिए, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान को किस तरह से जीना चाहिए, हिंदुस्तान में किस तरह से रहना चाहिए हम जानते हैं, जापानी आपको हमको आके बताएगा। फिर हम लालजी पाड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर जो समस्याओं का जो एक अंबार लगा, चाहे उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे यहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की बात करें, गरीब जो है वह अपनी जगह पर आज भी गरीब ही है और अमीर जो है वह लगातार अमीर बनता जा रहा है। क्या योगेश सागर साहब को जनता ने अपने बीच कभी आमंत्रित किया, या योगेश सागर साहब खुद जनता के बीच कभी आए? देखिये, शासन और प्रशासन के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि लोगों ने आज तक विश्वास नहीं किया कि अगर ये सरकार की योजनाएं हैं, अगर इसमें मैं सम्मिलित होता हूं तो मुझे मेरा घर मिल पाएगा, दलालों के चंगुल से मैं छूट पाऊंगा, दलालों के चंगुल से मैं बाहर रह पाऊंगा। इसलिए आज भी चाहे एसआरए की योजना रही हो, चाहे शासन की यहाँ मेट्रो का सेट लाने की बात हो, मेट्रो स्टेशन की बनाने की बात हो, रस्तों को चौड़ा करने की बात हो, या जो भी पोजिशन नहीं को चौड़ा करने की बात हो, जो भी योजनाएं, जो भी परियोजनाएं आ रही हैं, उन परियोजनाओं के ऊपर, उन योजनाओं के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि हैं आ करके उसके ऊपर विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए सारी की सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं या नहीं हो पा रही हैं। आप मेट्रो कार शेड की बात कर लीजिए, आज तक देख रहे हैं शासन चाहता है, शासन बार बार लोगों के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच में खाई इतनी बड़ी है कि वो योजनाएं नहीं बन पा रही है, मेट्रो कार शेड की बात नहीं आगे बढ़ पा रही है, यह सारे की बातें हैं। लोकसभा चुनाव की यदि बात करें, संजय निरुपम साहब यहाँ के सांसद थे और खास तौर पर जो भी विधायक होते हैं, विधायक की जो कार्यशैली है वो यदि दुरुस्त हो तो उसका लाभ कहीं ना कहीं सांसद को चुनाव के दौरान मिलता है। क्या समझा जाए, विधायकों के काम से जनता असंतुष्ट थी या बात कुछ और थी कि सांसद संजय निरुपम साहब चले गए, अब गोपाल शेट्टी साहब आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले कहा है, लोकसभा के चुनाव में लोगों को तमाम तरह से झूठी बातें बताई गई, लोगों ने गुमराह होकर के एक अच्छे दिन आने के अंदेशे के साथ, अच्छा दिन आएगा इस भरोसे के साथ, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगे इस भरोसे के साथ, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी इस भरोसे के साथ, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी इस भरोसे के साथ, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एक नई ऊँचाई के ऊपर जाएगा इस भरोसे के साथ, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के लोग जो हमारे नौजवानों को मार रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को मार करके भगाएंगे इस भरोसे के साथ, चीन के लोग हमारे अंदर घुस जाते हैं उनको नरेंद्र मोदी आकर के भगाएंगे इस भरोसे के साथ, इन तमाम अच्छे दिन आने के भरोसे के साथ लोगों ने वोट दिया था, यह सोच करके नरेंद्र मोदी को वोट दिया था आने वाले दिनों में हम सर ऊंचा उठा करके जिएंगे, इसलिए नहीं दिया था। आज आप देख रहे हैं चीन जिस तरह से घुसता था उससे ज्यादा घुस के आ रहा है, पाकिस्तान जो परेशान करता था उससे ज़्यादा हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे नागरिकों के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करने की हिम्मत होती थी उसके आगे बढ़ रहे थे, तमाम तरह की बातें जो नरेंद्र मोदी साहब कहते थे उसके उल्टे हो रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में जो लोगों ने लोकसभा में विश्वास दिखाया था वही अविश्वास लोग विधानसभा में दिखाएंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ आती है, जनता हमसे रोज चर्चा करती है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ जो विश्वास लोगों ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में दिखाया था उसका पूरा अविश्वास, वो उसकी जो उनकी बातें थी जो झूठी बातें थी जनता को 100 दिन में समझ में आ गई हैं, इसलिए 100 दिनों के बाद ये जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जनता नरेंद्र मोदी को बता देगी कि आपने जो झूठे वादे हमसे किए थे, हम झूठे वादे में बहकने वाले नहीं हैं, एक बात जज्बात में आ सकते हैं लेकिन किसी के भुलावे में नहीं आ सकते। कुल मिला के लोकसभा चुनाव के बाद
आगामी विधानसभा चुनाव एक प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब की एक एग्जाम कही जा सकती है, उनकी अग्नि परीक्षा कही जा सकती है, क्योंकि देश की जनता ने भारतीय जनता का पार्टी का मुंह ना देखकर, एनडीए का मुंह ना देखकर सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी मुहर लगाई थी। यही कारण था कि एक तरफा जो रुझान था जनता का वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। लोकसभा चुनाव की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से निकलकर आती हैं, 80 के आसपास की संख्या है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पाले में वहां की सीटें गई, और यही हाल महाराष्ट्र का भी रहा है। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 288 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बंटवारा किस प्रकार से होता है, और खास करके विधानसभा चुनाव के सिटिंग एमएलए जो लगातार विधायक है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनके ऊपर जनता कितनी मेहरबान होती है यह देखना लाजमी होगा। बहुत संक्षेप में आपका व्यू जाए। जैसे आपने अभी पूछा था कि नरेंद्र मोदी का यह नारा था अच्छे दिन आएंगे, तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा था अच्छे दिन आएंगे। जनता समझ नहीं पाई, नरेंद्र मोदी वो अपने लिए कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, तो नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आए लेकिन जनता के अच्छे दिन नहीं आए। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा धीरू भाई अंबानी के यही नारे थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उन्होंने दुनिया के लोगों को मुट्ठी में किया। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने वही डायलॉग सुन करके खुद कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आए। जनता के ना तो अच्छे दिन आए और ना आएंगे, ये सारी जनता को समझ में आ चुकी है, और इस इलेक्शन में जनता उन्हें ये बता देगी कि हम सब समझ गए हैं। कुल मिला के अच्छे दिन आने का संकेत तो दिया था नरेंद्र मोदी साहब ने, 5 लाख किलोमीटर तक का सफर किया था अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने भारतवर्ष को अच्छे दिन आने के संकेत दिए थे, लेकिन क्या अच्छे दिन आएंगे? 100 दिन ही महज बीता है, अभी भी कार्यकाल पूरा बाकी है। ऐसे में एक तरफ विधानसभा चुनाव है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अच्छे दिन वास्तव में आएंगे, या फिर अच्छे दिन आने के जो सपने हैं सिर्फ वह सपने धरे के धरे रह जाएंगे। हम अपनी तमाम जनता को, तमाम दर्शकों को हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि हम चारकों विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां से बतौर विधायक भारतीय जनता पार्टी के योगेश सागर साहब हैं। अब एक बार फिर जनता का समय आ चुका है, वोट का पैमाना कितना यहां से उनके पाले में जाएगा योगेश सागर की, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन योगेश सागर साहब, यदि आप कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं तो उस नींद से जागिए और अपने इस विधानसभा क्षेत्र का जायजा लीजिए, और जब जब आप जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलने, लेमन न्यूज की टीम आपके पीछे पीछे जरूर वहां पहुंचेगी और जनता के सामने आपसे यह जानने की कोशिश करेगी कि पिछले 5 सालों में आपने क्या काम किए, पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपको लेकर ही जनता के समक्ष उपस्थित होना होगा। हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि यदि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के बतौर विधायक साहब के कामों से संतुष्ट नहीं है, यदि आपके जहन में भी उनके प्रति कोई सवाल है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि आपकी आवाज वहां तक ले जाएंगे जिस तरह की समस्याओं से अन्य इलाकों की जनता जूझ रही है। आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा और मेरे कैमरा पर्सन आनंद वर्मा को इजाजत। नमस्कार।